हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और अपने चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चटपटा सा तीखा अचार की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम बनाएंगे हरी मिर्ची, कैरी और अदरक से। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो कच्ची कैरी ले ली हैं, यानी कि दो कच्चे आम ले लिए हैं और इनको धो लिया है। और 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है। ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्ची नहीं है, आप तीखी वाली भी ले सकते हैं। तो इन और साथ में मैंने अदरक ली है। तो इन तीनों को मैंने धो के सुखा लिया है और साथ में अदरक को छील लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा दो टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे सौंफ, 2 टीस्पून के राई और 1-1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा और मेथी दाना और साथ में साबुत धनिया और काली मिर्च आधा टीस्पून ली है। और साथ में 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कलौंजी ले ली है। तो कलौंजी को छोड़ के हम बाकी मसाले को दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने दरदरा कूट लिया है, महीन पाउडर नहीं बनाया है। और अभी इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे, क्योंकि पहले कलौंजी ऐड करने से ये मसाला काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे इनको जो हरी मिर्ची ली थी उनको मैंने धो के सुखा लिया है काट के, और साथ में यहाँ पे मैंने जो कैरी और अदरक ली थी उनको कद्दूकस कर लिया है। तो आइए, यहाँ पे मैंने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून, और इसमें गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं मसाले, और साथ में 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हींग इस्तेमाल की है। हींग आप ज़रूर डालें। और इन मसालों को हमें लो आंच पे भूनना है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अभी ये भून चुके हैं, तो अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और आंच है जो बिल्कुल लो रखनी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ लाल मिर्ची आप स्वाद के अनुसार डाल लें, ये हरी मिर्ची आपकी कितनी तीखी है उसके हिसाब से डालनी है। और साथ में मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। बस इतने मसाले हमने यूज़ करने हैं, 2 ही मसाले। और साथ में नमक हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। और आँच बिल्कुल लो रखनी है, आपको ध्यान रखिए, हमें हरी मिर्चों को सॉफ्ट नहीं करना है ज़्यादा, बस 2-3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और साथ में अभी मैं नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि मसाला थोड़ा जल्दी भुन जाए। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें बाकी के जो कद्दूकस करके अदरक और कच्चा आम जो हमने कद्दूकस किया था वो भी डाल देते हैं। तो अदरक मैंने डाल दी है और अभी कच्चा आम भी डाल देते हैं। अगर चाहें तो आप अदरक का इस्तेमाल ना करें, इसकी जगह लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको भी दरदरा कूट लें आप, और नहीं तो बारीक काट के भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये जो अचार है बनता है। और आंच आपको बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि हमें इसको गलाना नहीं है बिल्कुल, ये अपने आप ही गल जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये लंबे टाइम तक चल जाएगा, और बाहर आप इसको 10-15 दिन तक तो आराम से खा सकते हैं। ताज़ा ताज़ा इसको बना के आप खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा परांठों के साथ, रोटी के साथ। तो अभी हम इसमें लास्ट में हमारा अचार जो बन गया है, और अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सिरका। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब फ्रेंड्स सिरका डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिरका डाला है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा बन के ये रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा। कांच के जार में आप इसको भर के 15-20 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं, और फ्रिज में आप इससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।